हेलो एवरीवान आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एन सी आर टी द माइंड तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का एन सी आर टी वर्कबुक क्लास फोर ई वी एस का चैप्टर थ्री ए डे विद नंदू तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए और अगर आपके पास ओसवाल का एन सी आर टी वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल दिया है आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं चैप्टर थ्री है ए डे विद नंदू लेट्स रिवाइज पहले हम रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर को एलिफेंट्स मूव इन ग्रुप्स विच इज़ कॉल्ड हर्ड एलिफेंट जो होता है वो ग्रुप में मूव करता है जिसे कि हर्ड कहते हैं एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन हंड्रेड किलोग्राम्स ऑफ लीव्स एंड ट्विक्स इन वन डे तो एक एडल्ट एलिफेंट जो होता है वो हंड्रेड किलोग्राम्स लीव्स एंड ट्विक्स खा सकता है एक दिन में Elephants do not rest very much. They sleep for only two to four hours in a day. जो elephant होता है वो बहुत ज़्यादा rest नहीं करता है. वो दिन में कम से कम वो दो से चार घंटा सोता है. ठीक है? Elephants love to play with mud and water. This keeps their skin cool. Elephant खेलना पसंद करता है. किसके साथ मर्ड एंड वाटर के साथ जो कि उसे कूल cool रखता है उनके स्किन को कूल cool रखता है एलिफेंट्स बिग ईयर्स वर्क लाइक फैंस विच कीप दैम कूल एन एलिफेंट हार्ड हैज मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ़ द हर्ड जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है वो हर्ड का लीडर होती है हर्ड्स कंसिस्ट ऑफ 8 to 100 individuals depending on term and family size. A herd may have 10 to 12 female elephants and young ones. Male elephants live in the herd till they are 14 to 15 years old. Then they leave their herd and move around alone. Like elephants, some other animals like sheep buffalo goat etc also live together in groups these animal groups are called herds they usually move around together searching for food asian and african elephant can be differentiated most easily by their ears their head shape and their tusk let's remember some facts elephants are the largest and largest land animals in the world elephant kon largest land animal hai world ka. the largest elephant on record was an adult male african elephant it weighed about 24000 pounds and was 13 feet tall at the shoulder elephants can live up to 70 years or more Elef elephants know uh, every member of their herd and are able to recognize up to 30 companion by sight or smell they can remember and distinguish particular cues that signal danger and can recall locations Long after their last visit, the elephant brain is remarkably similar to the human brain with as many nervous and uh, synem, synempas as well as highly uh, developed hippo, hippocampus and uh, cerebral cortex. Elephants can recognize 12.

अपने जो यंग वंस हैं जो उनके बच्चे हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वो हर्ड में मूव करते हैं ठीक है यानी कि ग्रुप बना के रहते हैं ग्लोसरी, हर्ड हर्ड किसे कहेंगे ग्रुप ऑफ एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स कैटल एक्सेट्रा टस्क ऑफ एलिफेंट टस्क आर इलोंगेटेड कंटिनसली ग्रोइंग फ्रॉन्ट इन सीजर टीथ ऑफ एलिफेंट ठीक है तो ये आपका जो है ना ये रिवाइज था तो इतना सा आप रिवाइज करेंगे उसके बाद है चैप्टर ठीक है माइंड मैप लर्निंग मेट सिंपल ठीक है तो ये आपका एक मैप दिया हुआ है जिसमें एनिमल्स का पिक्चर दिया है ठीक है उसके बाद है वर्कशीट वर्कशीट टेन रीड द टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर Nandu is only three months old, but he वेट 200 हंड्रेड What is your weight? वेट अब Nandu जो है ना वो जो है ना टू हंड्रेड किलोग्राम का है three month का है तो उसके according आपका weight कितना है ठीक है तो फोर्टी के Can you find out? द वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदूज़ वेट अब देखिए जो है ना अगर आप अपने वेट के अनुसार से अगर फाइव फाइव चिल्ड्रन अगर आप जो है ना अपने वेट के अनुसार अगर वेट करते हैं तो कितना चिल्ड्रन का आएगा नंदू के वेट के हिसाब से जैसे कि आपका वेट है फोर्टी के जी और नंदू का वेट है टू हंड्रेड किलोग्राम ठीक है टू हंड्रेड है तो अब टू हंड्रेड में आपके अकॉर्डिंग कितना चिल्ड्रन आएगा फोटी के जी के हिसाब से तो फाइव चिल्ड्रन ठीक है इफ़ यू वेयर नंदू एंड यू लीड इन हर्ड वॉट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू अगर आप नंदू की जगह होते और आप हर्ड में रहते तो क्या क्या चीज़ें करते तो आई वुड प्ले सिंग डांस एट एक्सेट्रा इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइडेड डिसाइड्स एवरी थिंग टेक्स डिसीजेंस इन योर फैमिली अब एक एलिफेंट के हर्ड में क्या होता है जो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होती है तो वो सारा चीज़ डिसाइड करती है आपकी फैमिली में कौन डिसाइड करता है ये सारा फैसला कौन लेता है तो जो भी लेता है वो लिखेंगे आप माई फादर माई मदर माई ब्रदर ठीक है नंदू डेट थिंक्स डैट ही लाइक टू डू इफ़ यू कूड स्पेंड अ होल डे विथ योर फ्रेंड्स वॉट ऑल would you do? Play, dance, sing, find out and write. Which other animals live in herd? Sheep and elephant. Do you also live in a group? Do you like to live together like that? What do you like or not like to live in a group? Write them. Why I would like, why I would not like. We can enjoy with others. Now see this, पूछा जा रहा है कि अगर आप ग्रुप में रहते हैं तो आपको ग्रुप में रहना क्यों अच्छा लगता है और अगर आप आपको नहीं अच्छा लगता अगर आप नहीं रहना चाहते हैं तो क्यों तो नहीं अच्छा लगता है या क्यों अच्छा लगता है ये लिखना है तो वी कैन इन्जॉय विद अदर्स हम लोग दूसरों के साथ में इन्जॉय कर पाते हैं अगर ग्रुप में रहते हैं वी गेट हेल्प फ्राम अदर्स दूसरे का हम हेल्प कर पाते हैं वी हैव टू डू लेस वर्क हमें कम काम करना पड़ता है काम बहुत जल्दी हो जाता है अगर साथ, -साथ मिल के करते हैं तो वाई आई वुड नोट लाइक देअर मे बी क्वैरल और झगड़ा भी होता है अगर हम नहीं जो है अगर ग्रुप में साथ में काम करते हैं तो झगड़ा भी हो सकता है ठीक है हाउ डू एलिफेंट्स फील वैन दे आर किप्ट इन चैन डिसकस एंड शेयर योर फीलिंग्स When elephants आर kept इन चैन दे फील ट्रैप्ड humiliated एंड हेल्पलेस हैव यू एवर टेकन ए राइड ऑन एन elephant? हाउ डिड इट फील येस इट फील्स ग्रेट विच एनिमल्स हैव यू सेट ऑन राइट their नेम्स एलिफेंट हॉर्स कैमल आप जिस जिस एनिमल पे बैठे हैं तो आप उनका नाम लिखेंगे ठीक है अपने अकॉर्डिंग You must have seen many animals around you in books, in movies, some may be alone, some in groups. Find out more about any one of these animals and write about it. I see dogs around me. Dog is an obedient animal. It gives us security from thieves. It keeps a watch on your on our homes. Dog is a फोर फोटेड एनिमल इट एट्स मीट राइस मिल्क ब्रेड एक्सेट्रा फीमेल डॉग्स गिव बर्थ टू बेबीज बेबी डॉग्स विच आर कोल्ड पर्पीज आर लवली उसके बाद है वर्कशीट इलेवन थिंक एंड राइट ठीक है अब देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है वाई डू यू थिंक द एग्रेट इज सिटिंग ऑन द बुफेलो अब यहाँ पे बताया बताना है आपको कि ग्रेट जो होता है वो बुफेलो के ऊपर क्यों बैठता है तो एग्रेट इज अ फ्रेंड ऑफ बुफेलो इट इर्ट्स द इंसेक्ट्स फ्रॉम द स्किन ऑफ बुफेलो तो एग्रेट क्या होता है वो बुफेलो का फ्रेंड होता है और वो इस उसके स्किन पे जो भी इंसेक्ट बैठता है उसे खा जाता है ठीक है हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन Another animal, write its name. The animal which is riding, a great sparrow is riding. The animal which gives the ride, buffalo gives the ride. Uh, which animals do we use for riding? Horse, elephant, camel, etc. Which animals do we use for carrying load? Horse, elephant, ass, camel, ox. एक्सेट्रा वर्कशीट ट्वेल्व रीड द टेक्स्ट अब यहाँ पर देखिए इसमें आपको क्वेश्चन का आंसर देना है ठीक है यू हैव रीड वॉट दीज एनिमल्स सेड वाई डू यू थिंक दैट सम ऑफ दैम आर सेड दे आर सेड बिकॉज मैनी पीपल कैच दैम एंड यूज दैम फॉर देयर आउन बेनिफिट बिकॉज ऑफ विच दे आर deprived of freedom. How do you think they are different? The monkeys that dance to entertain people and the monkeys that are free. The monkeys which are free are very happy. They do whatever they like, go whenever they want. Make a college of a herd of elephant for this, कलेक्ट एज मैनी पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट्स दैट यू कैन कट आउट द एलिफेंट्स एंड स्टिक दैम अब देखिए यहाँ पर आपको एक कॉलेज बनाना है यानी कि एलिफेंट का पूरा ग्रुप का ठीक है बहुत सारा एलिफेंट हो आप इसे कहीं से भी आप कट कर सकते हैं पिक्चर निकाल सकते हैं ठीक है आपके कहीं भी आपका जो पुराना वाला बुक होगा या कहीं पे भी कहीं मैगजीन में न्यूज़पेपर में आप कहीं भी देखते होंगे तो वो आप कटिंग कर सकते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं ठीक है या आप अगर बना सकते हैं आप बहुत अच्छा ड्राॅइंग करते हैं तो आप यहाँ पर पिक्चर बना भी सकते हैं ठीक है तो ये काम आपको खुद करना है तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एन सी आर टी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एन सी आर टी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे और एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ अगर आपके पास सवाल का एन वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है आप वहाँ जाके इसे ख़रीद सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर थैंक्स टू वॉच माई वीडियो